नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट शाका किंग एंड ये इनका रूल जो है ये शुरू होता है 78 के बाद बात करते हैं चश्ताना की. रीन स्टार्टेड फ्रॉम 78 एडी टू 130 एडी. और ये कहाँ के रूलर थे? ये रूलर थे शाका रूलर ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रापास हु रूल्ड ओवर उज्जैन. ध्यान रखना ये वेस्टर्न क्षत्रापास थे. यहाँ पर भी शाकाज में भी क्षत्रापास में भी दो डिवीजन हो गए. नॉर्थ वेस्ट में अलग रूल हो रहा था, वेस्टर्न में अलग रूल हो रहा था. तो दिस वर वेस्टर्न क्षत्रापास. और द शाका एरा, द शक संवत जिसे आप कहते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है वो 78 एडी से होती है. टोलेमी बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने इसे मेंशन किया है टियास्थनीज और टेस्थनीज से, किसे? चश्ताना को. बट इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि ही वॉज फाउंडर ऑफ वन ऑफ द टू मेजर क्षत्रापा डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया के दो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षत्रापा डायनेस्टीज थी, एक कौन सी थी? एक थी द भद्रमुखा एंड अनदर डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द शहरतास. ये दो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी नाम याद रखिएगा, भद्रमुखा और शहरतास, ये आपको एग्जाम में आ सकता है. और इसी में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले गौतमीपुत्र सत्कर्णी में देखा था कि किंग नहापना जिसने जो कि ही वॉज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सत्कर्णी ने जिसको हराया था, वो इसी डायनेस्टी का इसी उसका पार्ट था. फिर इम्पॉर्टेंट रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 130 एडी टू 150 एडी एंड हिज नेम वॉज रुद्रदमन वन. हिज नेम वॉज रुद्रदमन वन. अगेन ये कौन था? ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ चश्ताना एंड ही वॉज फ्रॉम द वेस्टर्न क्षत्रापा डायनेस्टी. ठीक है, अब इसका आप किंगडम देखिए कितना बड़ा था. कोंकण, नर्मदा वैली, काठियावाड़ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मालवा, मतलब मोस्ट मोर और लेस जो मध्य देश जिसे कहा जाता था आर्यंस के टाइम पे, ये पूरा उनके उसमें था. एंड इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से आपको ध्यान रखना है, दैट ही कंडक्टेड द रिपेयर वर्क ऑफ सुदर्शन लेक एट काठियावाड़. वॉट ही डिड? ही कंडक्टेड द रिपेयर वर्क ऑफ सुदर्शन हु रुद्रदमन वन. अब हुआ क्या कि इसकी शादी जो है, किसकी? रुद्रदमन वन की जो शादी है उसका जो विवाह है एक हिंदू महिला के साथ हो जाता है. और वो हिंदू महिला क्या करती है? उसको हिंदुज़म में कन्वर्ट करती है. इसके बाद क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है संस्कृत से और हिंदुज़म से कि ही ऑल्सो इशूड द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत. चेस्ट संस्कृत मीन्स विशुद्ध संस्कृत, संस्कृत में भी ऑफ द हाइएस्ट लेवल. सो दिस इज वॉट ही डिड. देन जब वो राजा बना, कौन? रुद्रदमन वन, तो उसने अपना टाइटल अपने खुद ही को उसने टाइटल दे दिया, खुद ही को उसने टाइटल रख लिया, दैट इज महाक्षत्रापा. उसने क्या टाइटल रखा? महाक्षत्रापा. उसके अलावा इस अब हमेशा से वही दो चीज़ें, या तो कॉन्क्वेस्ट होगा या मैट्रिमोनियल अलायंस होगा. इसने भी क्या किया? इसने मैट्रिमोनियल अलायंस रखा. किसके साथ? इसने मैट्रिमोनियल अलायंस रखा सत्वहनास के साथ. वशिष्ठी पुत्र सत्कर्णी से इसने अपनी बेटी का विवाह किया, लेकिन एट द सेम टाइम इसने सत्वहनास के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ वॉर्स भी लड़े. इसने वो ठीक है कि दैट ही मैनेज टू हैव अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद देम, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ही कॉन्टिन्यूसली फॉट विद देम. और जो भी नहापना की टेरिटरीज सत्वहनाज के टाइम चली गई थी गौतमीपुत्र सत्कर्णी के समय, वो सारी टेरिटरीज उसने क्या की? उसने रिगेन की. तो जो भी नहापना के समय जो भी टेरिटरीज गौतमीपुत्र सत्कर्णी ने सत्वहनाज ने ले ली थी, ये क्या किया? इसने वापस रिगेन किया. अब जाहिर सी बात है, जब वो चेस्ट संस्कृत में, वो शुद्ध संस्कृत में जो है अगर कुछ इंस्क्रिप्शन इशू कर रहा है तो डेफिनेटली वो संस्कृत में आर्ट एंड कल्चर को भी जो है वो करेगा. फाइन, सो द संस्कृत लिटरेचर एंड कल्चरल वर्क्स, उसने संस्कृत में भी संस्कृत को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया. इट वॉज इसी के समय क्या हुआ, देर वॉज अ ग्रीक राइटर जो कहाँ रहता था? इंडिया में रहता था. और उसका नाम क्या था? उसका नाम था यवनेश्वरा. देर वॉज अ ग्रीक राइटर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था यवनेश्वरा. ठीक है, द ग्रीक एंड उसने एक जो लिखा था
जो उसने बुक टाइटल है संस्कृत में, दैट इज यवन जातका। यवन जातका का उसने क्या किया, उसने ट्रांसलेशन किया फ्रॉम ग्रीक टू संस्कृत। लेकिन सारे एम्पायर्स की तरह जो है शाकाज भी जो है लंबा रूल नहीं कर पाए, शाकाज भी क्या नहीं कर पाए, शाकाज भी लंबा रूल नहीं कर पाए, एंड देर वॉज देयर डिक्लाइन। नाउ व्हाट वॉज द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन? सबसे पहले इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, इनकी शुरुआत होती है यहाँ से, जब गौतमी पुत्र सतकर्णी के हाथों इनका इनकी पराजय शुरू होती। कब? जब गौतमी पुत्र सतकर्णी के हाथों क्या होता है, इनकी पराजय शुरू होती है। शाका रूल जो है एजेस टू, अब ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अभी हम ये वेस्टर्न क्षत्रापास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इनका जो रूल है, इनका जो शासन है, वो कब खत्म होता है? नॉर्थ इंडिया जब जो है ये रीजन कुशांस के अंडर में आ जाता है, ठीक है, एजेस टू के बाद। वेस्टर्न इंडिया में जो वेस्टर्न क्षत्रापास आका है, लास्ट रूलर वॉज रुद्र सिन्हा थ्री, द लास्ट वेस्टर्न क्षत्रापा रूलर वॉज रुद्र सिन्हा थ्री। एंड इसको कौन हराएगा? इसको हराएगा आगे चल के चंद्रगुप्त टू ऑफ दी गुप्ता डायनेस्टी। तो जब तो वेस्टर्न क्षत्रापा कहाँ ख़त्म हुए? कुशांस की, जो नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ इनकी जो लीनियज थी वो किससे ख़त्म होती है? वो कुशांस से ख़त्म होती है। और जो वेस्टर्न क्षत्रापा है वो कहाँ से ख़त्म होगी? वो गुप्ता डायनेस्टी के आने से ख़त्म होगी। दिस यू हैव टू रिमेंबर। छोटा सा एम्पायर ये था मेन पार्थियन एम्पायर, और ये पार्थियन का जो इंडियन काउंटर था वो था इंडियन ब्रांच था, इट वॉज कॉल्ड एज द पहलवाज। एंड दिस इज द नेक्स्ट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्यों, इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज पार्थियंस। ओके, सो ये पार्थियंस कौन थे, ये किस ओरिजिन के थे? आप देख सकते हैं ये पार्थियन एम्पायर था, और ये कहाँ से आए थे? ये ईरान की तरफ से आए थे। दे केम टू इंडिया और ये इस रीजन में थे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में थे। इम्पॉर्टेंट कहाँ? तक्षशिला के अराउंड। सो इन्होंने शाकास को हटाया कहाँ से? तक्षशिला से। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट किंग जो था वो था गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस कौन था? इसके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंट थॉमस, ओरिजिनल वाले सेंट थॉमस, वो सेंट थॉमस वो नहीं जो गली गली खुल गए हैं, एक्चुअली जो सेंट थॉमस थे जब वो इंडिया क्रिश्चियनिटी के लिए आए थे, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि अब क्रिश्चियनिटी आ चुकी है ना, वी आर वेयर 50 AD, मतलब अब क्या आ चुका है, अब क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया में आ चुकी है। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज दिस। तो ये हो चुका है। ओके, इस पूरी जितनी अब तक हमने कहानी देखी ना, उसकी समरी लिखी है ये। समरी क्या है? सतवाहनास, सतवाहनास ने क्या फेस किया? सतवाहनास ने बैक्ट्रियन इन्वेजन किया। बैक्ट्रियन इन्वेजन के बाद क्या होता है? शाकास आते हैं। शाकास कौन थे? ईरानियन पैस्टोरलिस्ट टाइप थे, ईरानियन ओरिजिन के थे। इनके ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? रुद्रदमन वन। उन्होंने क्या किया? रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक एंड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत। उसके बाद पार्थियंस आए, पार्थियंस भी ईरानियन ओरिजिन के थे, और इनके बारे में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है दैट गोंडोफर्नेस वॉज द फर्स्ट रूलर जिसके टाइम वॉज द इम्पॉर्टेंट रूलर, और जिसके टाइम पे क्या हुआ, जिसके टाइम पे सेंट थॉमस जो है वो क्रिश्चियनिटी के प्रोपगेशन के लिए कहाँ आते हैं? सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी के प्रोपगेशन के लिए आते हैं इंडिया में। अब हम बात करेंगे कुशांस की। कुशांस का अगेन ये अलग ही, ये नॉर्थ वेस्ट से नहीं आए थे, सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि चाइना के आसपास से आए थे। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कुशांस। अब थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप देखें, ये कनिष्क आज ये मैक्सिमम रीन है, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गए हैं ये, और ये है ये, मतलब, और ये चाइना है, ये मंगोलिया है, ये हमारा सेंट्रल एशिया है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, और यहाँ तो बांग्लादेश का भी हिस्सा आ जाता है। दिस वॉज द कुशान एम्पायर, द होल, यू कैन सी दिस पार्ट, दिस वॉज कुशांस। कुशान जो है ये क्या थे? अब ये चाइनीज ओरिजिन थे। कुशान एक्चुअली हम अपने टेक्स्ट में, अपने टर्मिनोलॉजी में कह जाते हैं कुशान और क्वीशैंग, थोड़ा सा चाइनीज बोलनी पड़ेगी,
क्विशांग जो है चाइनीज ट्राइब थी, देवर लाइक द देवर कॉल्ड एज द ग्रेट यूशी ट्राइब्स. ये जो यूशी ट्राइब्स थी, यूशी प्रिंसिपैलिटीज थी, ये अलग अलग चल रही थी. फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या होता है, इनका एक लीडर था, हिज नेम वाज कुजुला कैटफिसिस और कैटफिसिस वन. इसने क्या किया, ये जो फाइव ग्रेट ट्राइब्स थी, इन सबको एक लेके एक बना के क्या किया, ही फाउंडेड द कुशान एम्पायर. ही डिड व्हाट ही डिड, ही फाउंडेड द कुशान एम्पायर. ओके, द कुशान मूवमेंट इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी, क्योंकि कैटफिसेस के टाइम. तो कुशान इंडिया की तरफ भी तभी आते हैं. बात करें इनके पहले लीडर की, द फर्स्ट यूशी चीफ, यूशी चीफ हु क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कुशान एम्पायर. आप यहाँ देखो, हिंदू कुश क्रॉस किया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कुशान एम्पायर. ये देखो, हिंदू कुश वाला रीजन है ये, तो इंडस वैली ये है. सो ये क्या करता है, कुशान एम्पायर की, ही एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन काबुल एंड कश्मीर एंड इज क्रेडिटेड फॉर द डिफीट ऑफ द लास्ट ग्रीक किंग्स. और जब इसने ग्रीक्स को हरा दिया, जब इसने ये यहाँ एस्टैब्लिश हो गया, ही गेव हिमसेल्फ, ही अडॉप्टेड द एपिथेट और द टाइटल ऑफ धर्मथिडा. ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ धर्मथिडा. अनादर एपिथेट जो इसने कहा उसमें इज लाइक थोड़ा सा सिमिलर था, एंड दैट वॉज सच धर्मथिडा. सच धर्मथिडा मीन्स विच वॉज कोटामिनस विथ सत्य धर्म स्थिति. तो मतलब जो एक्चुअल धर्म की स्थिति इस्टैब्लिश करने वाला हो, उससे इसे आप कोरिलेट कर सकते हो. सो इससे ये पता चलता है, इस वाले इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है दैट ही वॉज इंटरेस्टेड बोथ इन बुद्धिज्म एज वेल एज शैविज्म. वो दोनों चीजों में इंटरेस्टेड था, क्योंकि अभी ये जिस जगह से आए थे वो ट्राइबल ओरिजिन था, वहाँ रिलीजन का इतना सिग्निफिकेंस नहीं था और रिलीजन इतना प्रेवलेंट नहीं था. लेकिन वो इंडिया की तरफ आते हैं, वो इस हिंदू कुश को पार करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर रिलीजन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये लोग रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए और दोनों रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इनको दो ही रिलीजन दिख रहे थे तब. मूविंग ऑन, उसके बाद आता है सदक्षणा. सदक्षणा और वीमा तक्तु अलग अलग नाम आते हैं. ये बेटा था. अब ये तो यहाँ पे एक और कहानी है. यहाँ पे ये हो सकता है दो लोग हैं, हो सकता है एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं. देर इज नो क्लैरिटी. मतलब देर इज यू नो दिस इज एक बंदे की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, वी आर नॉट श्योर. लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि दैट ही इज इसके बाद मतलब ही इज ही और दे वट एवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस कुशान एम्पायर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पहली चीज़. लेकिन ये पूर्वज किसका था, ये प्रेडिसेसर किसका था, ये प्रेडिसेसर था इन दो लोगों का. और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कनिष्का, द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर. एंड नॉट जस्ट द ग्रेटेस्ट कुशान रूलर, ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर. आप अशोका के बाद आप किसी को ये स्टेटस दे रहे हो तो आप कनिष्का को दे रहे हो, क्योंकि कनिष्का वॉज सो इम्पॉर्टेंट और इसीलिए हम बात भी उसी की करेंगे. सो ही रूल्ड फ्रॉम 127 टू 151 AD, अ स्पैन ऑफ 24 ईयर्स. एंड ही इज यस एज आई टोल्ड यू दैट ही इज नॉट जस्ट द ग्रेटेस्ट कुशान किंग, बट ही इज ऑल्सो द ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया. ही इज ऑल्सो ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया. अब ये वीमा कैटफिसिस का बेटा था. वीमा कैटफिसिस का प्रेडिसेसर कौन था, वीमा टक्टु और सदक्षणा था. सदक्षणा का वो कौन था, कैटफिसिस वन. सो इस तरीके से ये चला. ओके, नाउ अब यहाँ पे समझो कि कनिष्का का एम्पायर कितना बड़ा था. मतलब लिटरली बड़ा था. आप उसको सिंधु, पार्थिया, पंजाब, कश्मीर, मगध इंक्लूडिंग पाटलिपुत्र, मालवा, बनारस, परहैप्स पार्ट्स ऑफ बंगाल, और यहाँ पे ये जो है ना खोतान, काशगर और यारखंड, ये तीनों कहाँ हैं, ये चाइना में हैं. तो वो अफगानिस्तान से लेके, मतलब आप उसका एम्पायर समझो कि जिसका एम्पायर अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, बंगाल, चाइना,
दिस वॉज द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर ऑफ कनिष्का. कहाँ कहाँ था? गंधारा, कंधार, पेशावर, अवध, लखनऊ, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा, ऑल्सो इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान. तो वो अफगानिस्तान तक नहीं रुका, वो गंधारा तक नहीं रुका, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब जो है वो उसके उसमें था. उसकी कैपिटल क्या थी? मेन कैपिटल वॉज नॉट हियर, हिज मेन कैपिटल वॉज पेशावर, ऑल्सो नोन एज, तब उसको किस नाम से जाना जाता था, तब उसको नाम किस नाम, पेशावर को जाना जाता, पेशावर जो आज पाकिस्तान में है, तब उसे जाना जाता था पुरुषपुरा के नाम से, बिकेम पेशावर. अब वो पाटलिपुत्र तक आता है, वो पटना तक आता है, अटैक करता है, और पाटलिपुत्र पर अटैक करने के बाद वो क्या करता है, देयर वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था अश्वघोष, वो उसको अपने साथ ले जाता है. कौन? कनिष्का. कनिष्का क्या करता है, पाटलिपुत्र आता है और यहाँ जो बुद्धिस्ट मॉन्क था उसको किडनैप करके, उसको कैप्चर करके, अब चलो तुम मेरे साथ, मुझे बताना है बुद्धिज्म का कंसेप्ट क्या है, ठीक है. अब और उसके कोर्ट में स्कॉलर्स को आप नाम जानते होंगे, पार्श्व उसके कोर्ट में थे, अश्वघोष अभी हमने देखा, वासुमित्र, नागार्जुना, चरक उसके कोर्ट में थे, मथुरा उसके कोर्ट में थे, और देयर वाज अ ग्रीक इंजीनियर एंड हिज नेम वाज एजिसिलियस, वो भी उसके कोर्ट में थे. हमने देखा जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे थे, तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ थी? कुंदलवन. कुंदलवन कहाँ? कश्मीर. उसको किसने किया था, उसको किसने कन्वीन किया था, उसको किसने पैटर्नाइज किया था? उसको पैटर्नाइज किया था कनिष्का ने. आफ्टर दैट ही वॉज अगेन वो टॉलरिज्म जो था वो टॉलरेंट था अबाउट हिज रिलीजियस व्यूज, और उसके जो कॉइन्स थे उसमें तीनों चीज़ें दिखती हैं, उसमें इंडियन कंटेक्स्ट भी दिखता है, उसमें ग्रीक भी दिखता है, और उसमें ज़ोरोएस्ट्रियन जो डाइटीज़ हैं, जो ज़ोरोएस्ट्रियन डाइटीज़ हैं, वो भी नज़र आते हैं. एंड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. तो कनिष्का के टाइम पे हम जब आर्ट एंड कल्चर एज अ सेपरेट डील करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कनिष्का के टाइम पे जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो भी फ्लरिश करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, महायाना बुद्धिज्म. अशोका ने कौन सा बुद्धिज्म प्रीच किया? हीनयान. कनिष्का ने कौन सा बुद्धिज्म प्रीच किया? महायान. सो द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म किसने प्रीच किया? इसने प्रीच किया. देन और कहाँ? इस तरफ नहीं. ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म इन चाइना. अगेन आई रिपीट, कनिष्का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म इन चाइना, ठीक है. एंड ये गए कैसे, इसके बारे में हमें कोई एज सच नॉलेज नहीं है. सो डेथ इज नॉट श्योर हाउ, बट यस, ही वॉज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेटिंग बुद्धिज्म, लार्जली महायाना बुद्धिज्म. जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इस तरफ जो बुद्धिज्म फैला, वो कहाँ से फैला? वो कौन सा बुद्धिज्म था? वो महायान बुद्धिज्म था. वो कौन सा बुद्धिज्म था? वो महायान बुद्धिज्म था, ठीक है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कुशान एम्पायर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कुशान एम्पायर. अगेन संस्कृत लिटरेचर बिगेन टू फ्लरिश. जैसा हमने देखा कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, वो किस में हुई? वो संस्कृत में हुई, ठीक है. अश्वघोष वही जिसको उठा के ले गए, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट. और द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा, यही तो तीन है, द थ्री डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ आर्ट, गंधारा, अमरावती एंड मथुरा, ये तीनों स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये फ्लरिश किए. इंडिया, चाइना और रोमन एम्पायर, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया, चाइना और रोमन एम्पायर, इन तीनों के बीच जो है there was a trade prosperity which was growing between them. Then they were actually, if you remember the old silk route, I'll try to draw here, agar mil jayega ye tha, I think if I'm not wrong, thoda sa kuch is tarike se tha, something like this, the old silk route. Aur aap dekhoge ki ek bahut bada part is silk route ka kaun control kar raha tha, ek bahut bada part, I'll try to redraw that. ये यहां से आ रहा था, चाइना और तिब्बत की तरफ से ऐसा कुछ, एक यहां से खैबर से क्रॉस होके और ये इधर से जा रहा था, और एक इसकी ब्रांच इधर जा रही थी. दिस वाज द ओल्ड सिल्क रूट.
तो इस ओल्ड सिल्क रूट का देख आप देख सकते हैं कि एक मेजर पार्ट किसके कंट्रोल में था, इसके कुशांस के कंट्रोल में था, विच इज ऑब्वियसली अगर आप दुनिया में ट्रेड रूट को कंट्रोल कर रहे हैं तो यू आर गुड। और इसी की वजह से क्या हुआ, विच लेड टू द स्प्रेड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना एंड ऑल्सो ये कहाँ, कोरिया और जापान। इसीलिए जब हमने बुद्धिज्म के स्प्रेड की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि चाइना जापान कोरिया में कौन सा बुद्धिज्म चल रहा था, कौन सा बुद्धिज्म, कौन सा सेक्ट जो है वो वहां स्प्रेड आउट हो रहा था, इट वॉज दी महायाना, इट वॉज दी महायाना जो वहां पे स्प्रेड हो रहा था। मैनी टावर्स चैत्यास टाउन्स एंड ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स वर बिल्ट। तो ये हमने देखा कि कैसे जो तीनों स्कूल ऑफ आर्ट है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये तीनों ऑफ आर्ट आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट जो हैं ये इस टाइम पे फ्लरिश, इस टाइम पे प्रमोट हुए। कुशांस व फॉरेन इन्वेडर्स बट दे वर कम्प्लीटली इंडियनाइज द वे एंड कल्चर, दे वर कम्प्लीटली इंडियनाइज इन देयर वेज एंड कल्चर। ओके, इट इज सेड दैट द कुशान पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री इज द फोर रनर टू द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। और जो गुप्तास को गोल्डन एज मिली उसमें जो ये हैं कुशांस हैं या जैसे कनिष्का है, कनिष्का का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये मोस्टली हो रहा था नॉर्थ इंडिया में। अब नॉर्थ इंडिया की तरफ से चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है यहाँ पे हो सकता है हालात थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, इसलिए नहीं, थोड़ा सा आपको इस पार्ट को, हम संगम एज की बात करने वाले हैं और संगम एज को आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, इट इज़ हार्डली, इट विल टेक हाफ एन आवर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें मैक्सिमम कवरेज दे सकूँ। कई ऐसे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट और जो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं वो कई बार इस पार्ट को छोड़ देते हैं, सर द नेम्स आर वेरी डिफिकल्ट आई अंडरस्टैंड एंड विद अ ह्यूज अपॉलॉजी, विद अ सिंसियरेस्ट अपॉलॉजी टू दोज फ्रेंड्स हुआ फ्रॉम साउथ इंडिया अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो, ऑलरेडी सेइंग दैट। सो अब बात करते हैं उसी में पैरेलल वाले, सर हम तो सारी कहानी यहीं तक की देख रहे थे, इसके नीचे क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ तक तो आपने कहा कि सतवाहना आ गए, ठीक है मानी बात, अब उसके अलावा क्या हो रहा था, उसके अलावा नीचे की तरफ क्या हो रहा था, उस टाइम को हमने क्या कहा, उस टाइम को हमने कहा द संगम एज, द चोला, चेरा और पांड्या, तीन इंपॉर्टेंट किंगडम, दैट इज द चोला, द चेरा एंड द पांड्या, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है रफली एक छह, संगम पीरियड किसे कहते हैं, संगम पीरियड कहते हैं कम से कम इस 600 साल के टाइम पीरियड को, 3rd century BC टू 3rd century AD, इस 3 सेंचुरी पहले और 3 सेंचुरी इधर, करीब 500-600 साल को। और हम साउथ इंडिया, हम जनरली अभी तो मैंने आपको कई बार बताया कि साउथ इंडिया हम जनरली किसे कह देते हैं ज्योग्राफिकली समझने के लिए, नर्मदा के साउथ को, लेकिन अब हमको थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा, और कहाँ से कहाँ तक, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी से नीचे का जो रीजन है वो, कृष्णा गोदावरी से नीचे का जो रीजन है वो हम क्या कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, और अदर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर से नीचे का उसके साउथवर्ड जितना रीजन है हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे इस रीजन में कहेंगे। नाउ संगम क्या, संगम क्या, संगम किस चीज़ का था, संगम था एकेडमीज का, संगम था स्कॉलर्स का, संगम था पोएट्स का, जो इकट्ठा होते थे टू वेरीफाई हिस्ट्री, टू वेरीफाई लिटरेचर, टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली, एंड ये मोस्टली पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई। तो ये जो तीन संगम की हम बात करेंगे, तीन संगम हुए, तीन बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े पोएट्स और लिटरेचर लॉरेट्स जो हैं वो आए और उन्होंने बैठ के जो है लिटरेचर के ऊपर काम किया। एंड व्हाट वाज दिस, दिस वाज अ बोर्ड ऑफ सेंसर्स, वो ये देखते थे सेंसर्स एंड द चॉइसेस लिटरेचर, वो ये देखते थे कि वो सेंसर करते थे क्या क्या ऐसा लिटरेचर है जो पब्लिक डोमेन में रह सकता है, क्या ऐसा लिटरेचर है जो उसके बाहर का है, जो नहीं रखा जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं ये कर रहे थे। एंड दिस वाज व्हाट द संगम एज, एंड दिस लिटरेरी वर्क इज़ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द द्राविडियन लिटरेचर। जो हम द्राविडियन लिटरेचर की बात करते हैं उसका अर्लीस्ट जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया कि व्हाट वर दीज थ्री संगम्स, दीज वर द एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स,
exclusively Tamil poets. Again, this Sangam was here, which was the academies of Tamil poets. Aur isko South India mein Sangam na kehke Muchangam bhi kaha jata hai. Popularly in ancient South India, abhi bhi ancient South India mein ise Sangam na kehke Muchangam kaha jata tha. Muchangam jab wo Sangam ho gaya. पहला संगम, द फर्स्ट संगम इज बिलीव टू बी हेल्ड एट मदुरई. और कहा ये जाता है, मतलब इट इज इन द यू नो इट वाज वे लेटर. और पहला संगम कहा ये जाता है, इट वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड द लेजेंडरी सेजेस. और ये उनका मानना है, ये उनकी मान्यता है कि ईश्वर खुद आके जो है उस संगम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो संगम का हिस्सा थे. लेजेंडरी सेजेस मतलब आम साधु संत, आम ऋषि मुनि नहीं, जो हाई लेवल के ऋषि मुनि हैं वो. सेकंड संगम, से पहला संगम कहाँ हुआ? मदुरई. सेकंड संगम कहाँ हुआ? कपाडापुरम में. सेकंड संगम कहाँ होता है? कपाडापुरम में. और उस संगम से सिर्फ एक ऐसा लेटर, यहाँ से हमें कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिलता, ये सिर्फ इट्स ऑल कहानीज एंड ऑल. और यहाँ से हमें, सेकंड संगम से हमें सिर्फ एक सोर्स मिलता है, विच इज़ कॉल्ड एज तोलकप्पियम, विच इज़ कॉल्ड एज तोलकप्पियम. सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जो सर्वाइव करती है. थर्ड संगम वॉज ऑल्सो हेल्ड एट मदुरई. और यहीं से जो है हमें कुछ ऐसे और सोर्सेस, कुछ ऐसे और लिटरेरी वर्क्स मिलते हैं, कुछ और ऐसे काम मिलते हैं जिससे कि हमें आसानी होती है उस दौर के तमिल लिटरेचर को या उस दौर के तमिल आर्ट एंड कल्चर को, संगम लिटरेचर को रिकंस्ट्रक्ट करने में. संगम पीरियड में मैंने आपको भी बताया तीन डायनेस्टीज थी, ये इम्पॉर्टेंट है. आई एम जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट अबाउट दिस. सो हो सकता है इसमें कुछ मैच का क्वेश्चन आ जाए, इसमें कुछ किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जस्ट प्रे यहाँ से क्वेश्चन मिले हमें. सो संगम पीरियड डायनेस्टी की तीन डायनेस्टीज, चेरा, चोला, पांड्या. आज के टाइम पे कहाँ है? चेरा केरला, चोला आंध्र प्रदेश एंड पांड्याज इन तमिलनाडु. इसलिए हमने यहाँ देखा ना, ये किसने वो किया था, द पांड्या किंग्स ऑफ मदुरई. मदुरई इज इन तमिलनाडु एंड एंड दैट रीजन, तमिलनाडु रीजन वॉज अंडर, एंड इवन देयर कैपिटल वॉज मदुरई. आज भी वो मदुरई कहलाती है, ठीक है. सो और इसमें से एक्चुअली पिछले बार आई थिंक 2019 में ये पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो वो लिंकअप करके बनाना था. सो चेरास की बात करें, चेरास की कैपिटल थी वंजी. और वंजी आ गया, अब यहाँ देखो कहाँ गया मैप, ये यहाँ पे दिस वन, ठीक है, मदुरई और अयूर. सो कैपिटल थी वंजी. इनका जो इम्पोर्टेंट रूलर था, इम्पोर्टेंट चेरा रूलर वॉज चेरन सेंगुतुवान. चेरन सेंगुतुवान दिस वन. इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये किस रीजन में है, ये इस रीजन में, ये पेनिनसुलर रीजन में, ये इंडिया की सदर्न एक्सट्रीम पे आ गए हैं हम. और यहाँ पे जाहिर सी बात है सारा ट्रेड जो है ये सी पोर्ट से चल रहा होगा. तो ये मुछिरी और मुसीरी और तोंडी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे. हर इनका एक एम्बलम होता था. अब यहाँ पे एम्बलम है, मतलब यहाँ पे एक क्या कहते हैं एम्बलम को, वो निशान जो होता है उनका एक, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी टर्म फॉर एम्बलम. तो यहाँ इनका एम्बलम जो था, इनका जो निशान था, वो क्या था? बोल नैरो, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करता था. देन वी टॉक अबाउट चोलास. चोलास कहाँ थे? चोलास वर लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश रीजन. उनकी एंशियंट कैपिटल क्या थी? उनकी एंशियंट कैपिटल थी उरैयूर और पुहार. पुहार को कई जगह पुम पुहार भी कहा गया, वो हम आगे देखेंगे. इनका इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था? इनका इम्पॉर्टेंट रूलर था कारिकला. इनका इम्पॉर्टेंट पोर्ट था कावेरीपट्टनम. अब आप देखोगे ये इस तरीके के जो नाम हैं आंध्रा में जो है वो आते हैं. देन टाइगर इनका एम्बलम था. देन पांड्यास, तमिलनाडु, मदुरई हमने देखा. इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था नेंदुचेलियन. और इनका जो एम्बलम था वो था कार्प. कार्प यानी मछली, ठीक है. चेरास की बात करते हैं ना, कहाँ? केरला पे रूल कर रहे थे ये. सब मुसीरी, तोंडी हमने डिस्कस कर लिया, बोयनारो डिस्कस कर लिया. द फर्स्ट सेंचुरी पुगलूर इंस्क्रिप्शंस रेफर्स टू थ्री जनरेशन ऑफ चेरा किंग्स. तो कम से कम तीन जनरेशन चेरा किंग की थी, लेकिन चेरन सेंगुतुवान जो है वो इनका सबसे प्रोमिनेंट रूलर था चेरा डायनेस्टी का. एंड
सिलपथिकरम, सिलपथिकरम इज एन एपिक इन साउथ इंडिया, और जहाँ पे ये सेंगुतुवान की जो है विक्ट्रीज हैं, उसके अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में बताया जाता है। इवन ये बताया जाता है विच टॉक्स अबाउट हिज हिमालयन एक्सपेडिशन। हिमालयन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मीन्स कि ये जो था सेंगुतुवान, इसने नॉर्थ की तरफ भी एक्सपेंशन किया, इसने नॉर्थ की तरफ भी एक्सपैंड हुआ, और कहा यह भी जाता है वैंक्विश मैनी रूलर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, इसने नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे रूलर्स को हराया, ये हिमालय तक जाके आया साउथ से लेके, ठीक है। दिस पर्सन सेंगुतुवान, ही इंट्रोड्यूस तमिलनाडु, व्हाट ही इंट्रोड्यूस इन तमिलनाडु, द पट्टेनी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कन्नागी एज द आइडियल वाइफ। तो एक और कल्ट, एक और सेक्ट जो है वो इसने इंट्रोड्यूस किया। एंड बट ये आपको ध्यान रखना है, ये सेंगुतुवान के बारे में एक क्वेश्चन जो है इस पॉइंट पे आ सकता है, दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट किंग टू सेंड एन एम्बेसडर टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया। सेंगुतुवान ऑफ चेरा डायनेस्टी, सेंगुतुवान ऑफ चेरा डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट रूलर टू सेंड एन एम्बेसडर टू वेयर, टू चाइना, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चोलास। चोलास की हम बात कर रहे हैं तो तिरुचि से लेके सदर्न आंध्र प्रदेश तक की हम बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया उनकी कैपिटल उरैयूर थी, बाद में उनकी कैपिटल पुहार शिफ्ट हो गई। पुहार को अभी मैंने आपको बताया कि पुम पुहार भी कहा जाता है, ठीक है। पटिनिया पलई, दिस वन विच इज दिस पटिनिया पलई विच इज रिटन बाय कोडियालोर, which is written by Kudiyarul, this is Uruthi Ranganar, Ranganar, I'm sorry, this is Uruthi Ranganar, और यहाँ पे military achievements की बात होती है, किसके, King Karikala के, King Karikala जो कि इनका सबसे prominent king थे, उनके बारे में बात होती है, और उनके बारे में किताब जो लिखी गई है, that is Pattiniyappalai, okay, important, क्या है, important है Battle of Veni, बैटल ऑफ वैनी का उनके संगम पोएम्स में भी जिक्र है, उनके पुरानों में भी जिक्र है, उनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में भी जिक्र है, दैट दिस इज द वेयर जहाँ पे चेरा पांड्या और 11 ऐसे छोटे, चेरा पांड्या और 11 ऐसे छोटे जो है वो चीफ्टन्स थे, जो ऐसे छोटे ट्राइब्स थे, वो मिल गए और किसके अगेंस्ट आए, किंग कारिकाला के अगेंस्ट, किंग कारिकाला के अगेंस्ट आते हैं और यहाँ वो हार जाते हैं, दे वर डिफीटेड। तो ये बैटल ऑफ वेनी जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट बैटल विच वॉज फॉट बाय दिस पर्सन कारिकाला वॉज वहाई अपर अंडलाई, दिस वन, दिस इज बैटल ऑफ वेनी एंड बैटल ऑफ वहाई अपर अंडलाई विच वॉज अनदर बैटल। सो ही वॉज समवन हु वॉज फाइटिंग बैटल्स, यहाँ पे जिसने जितने राजाओं को हराया, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जिसने जितने राजाओं को हराया वो उतना, मतलब उसका पोजीशन जो है वो उतनी स्ट्रांग है। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इस इनके टाइम पे ऑब्वियसली ये तो ये ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ हर तरफ ट्रेड था, स्पाइसेस इनके पास थी, सब कुछ ट्रेड कर रहे थे। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इरीगेशन टैंक्स नियर रिवर कावेरी एंड मेक वाटर अवेलेबल फॉर द रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फार्मिंग, तो फार्मिंग को इन्होंने प्रमोट किया। पांड्यास की बात करें, तमिलनाडु के ऊपर रूल कर रहे थे। नेंदुचेलियन जो है इनके इम्पॉर्टेंट किंग थे, एंड मदुरई के बारे में कहानी, जैसे वो लंका को जला दिया था ना, लंका को हनुमान जी ने जला दिया था, वैसे ही इनके हिसाब से, तमिल माइथोलॉजी के हिसाब से, कन्नगी जो कि वो इसी कन्नगी की फिर वो पूजा करने वाली बात आई, तो ये कन्नगी कौन थी, कोवलन की बीवी थी, एंड दिस इज़ वन वेयर मदुरई ख़त्म हुआ और फिर मदुरई को दोबारा जो है इस्टेब्लिश किया गया। कोरकाई जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल संगम डायनेस्टी और संगम मोनार्की या संगम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये हेरिडिटरी मोनार्की के ऊपर या इनका जो वो था वो हेरिडिटरी मोनार्की था। देयर वर मिनिस्टर्स एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन प्रीलिम्स। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, अमाइचार। प्रीस्ट को क्या कहा जाता था, अंथनार। एनवाइज को क्या कहा जाता था, थुथार। मिलिट्री कमांडर्स और सेनापति एंड स्पाइस वर ओरार। ये आ सकता है प्रीलिम्स में, इसके पोटेंशियल है इसमें कि ये प्रीलिम्स में इस तरीके का सवाल आए, और ये भी आए। अपार्ट फ्रॉम दिस टू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द किंग वाज। सो ये कौन थे, ये पांच ऐसे लोग थे, अमाइचार, अंथनार, थुथार,
सेनापति एंड ओरार, ये पांच वो मिनिस्टर्स थे, पांच वो ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे जो किंग को असिस्ट करते थे. किंग किस फॉर्मेट में चल रहा था, किंग जो किंगशिप थी वो किस फॉर्मेट में थी, किंगशिप थी हेरिडिटरी मोनार्की में. किंगशिप किस फॉर्मेट में चल रही थी, हेरिडिटरी मोनार्की में. नाउ देन द मिलिट्री, देर वॉज अ रेगुलर आर्मी हर किसी, क्योंकि अब जो इतना लड़ रहा है, जो कभी भी चोला चेरा एंड पांड्या, द चोलाज द चेराज एंड द पांड्यास, दे केप्ट ऑन फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर. एंड व्हेन दे आर कॉन्टिन्यूअसली फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वो आपस में, उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी. नो डाउट किसी भी टाइम पे रहा हो, लैंड रेवेन्यू हैज बीन द मेजर सोर्स ऑफ यू नो, लैंड रेवेन्यू वॉज द मेजर सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम. लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सी पोर्ट वगैरह था, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, सो कस्टम ड्यूटी वॉज ऑल्सो इम्पोज ऑन द फॉरन ट्रेड. तो वो सिर्फ यहाँ जो राजा था वो लैंड रेवेन्यू से नहीं कमा रहा था, यहाँ पे जो राजा था वो ये कस्टम ड्यूटी से. लेकिन द वॉर बूटी, द वो जो जिसको कहते हैं ना, मतलब आई नो दैट्स उसको क्या हिंदी में कहते हैं, आई डोंट नो, बट इन पर्शियन इट इज कॉल्ड माल गनीमत. मतलब जो मिल जाता है, जो लड़ाई कर ली, सामने वाली टीम हार गई, सामने वाली पार्टी हार गई, उसके पास जाओ, उसका सब लूट के ले आओ, तो वॉर बूटी जिसे कहते हैं वो लेकिन उनका मेजर सोर्स था. तो जाहिर सी बात है, अगर वो इतना ज़्यादा वॉर बूटी अगर उनका मेन सोर्स था इनकम का, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत थी, और जनता को प्रोटेक्शन देना उनका काम था. तो ये रोड्स और दिस ऑल रिगार्डेड टू प्रिवेंट दैट. संगम सोसाइटी की बात करें तो तोलकप्पियम जो सेकंड संगम से सरवाइव कर रही है, उसने कहा कि लैंड जो है वो पांच हिस्सों में बटा था. कौन कौन से पांच लैंड्स थे? कुरिंजी, कुरिंजी का मतलब था हिली ट्रैक्ट. मुलाई, मुलाई का मतलब था पेस्टोरल, जो चारागाह जो होते थे. मारुदम, मारुदम वॉज द एग्रीकल्चर लैंड. नेदाल वॉज कोस्टल एंड पालाई वॉज डेजर्ट. चार कास्ट थी, पांच लैंड ध्यान रखना, और चार कास्ट. आरासार वॉज द रूलिंग क्लास, अंथनार, देन अंथनार वनिगार, वेनिगार वॉज द वन हु वॉज यू नो गोइंग फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड वेललार एग्रीकल्चरलिस्ट. सो रूलिंग क्लास दिस वन, वनिगार एंड वेललार. ट्राइब्स भी थी, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू. वॉट वॉज द पोजिशन? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी में आपको इसको लिंक करना पड़ेगा और क्वेश्चन आ जाएगा. वट वॉज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन दी संगम एज? सो वुमेन वर यू नो देवर एक्चुअली फॉलोइंग, देवर एक्चुअली अलाउड टू हैव, मतलब हु आर वी टू अलाउ द वुमेन, बट वुमेन वर फ्रीली कैरिंग आउट द इंटेलेक्चुअल परसूट ड्यूरिंग दिस टाइम. और अवैयार, नाचलियार एंड ककई पड्डिनियार, pronunciation is wrong, I'm sorry, again I'll say avayyar, nachelayyar and kakkai paddiniyar, these were the women who flourished Tamil literature with them. Then there were two contrasts that were existing in this society. Number one, women first of all were allowed to have their life partners. Women were allowed to have their life partners, but at the same time, widows, जो विधवा थी उनकी life क्या थी, that was miserable. सती, हाँ सती प्रथा थी, लेकिन सती प्रथा कहाँ थी? सिर्फ जो higher strata of society है वहाँ पे. Religion, मुरुगन सबसे important जो हैं वो देवता थे उस time के संगम के, संगम एज के, and संगम literature में भी उन्हीं का जो है वो दिया है. उसके अलावा अदर जो दूसरे थे, विष्णु को मायन कहा गया, वेंदन कहा गया, इंद्रा को वरुण और कौरवाई, ये उसके अलावा वो थे. दिस द नाडुकाल वर्शिप और द हीरो स्टोन वर्शिप, दिस वॉज देयर. और ये क्या होता था, दिस हीरो स्टोन वॉज, दिस वॉज इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ ब्रेवरी शोन इन द वॉरियर्स ऑफ द बैटल. मतलब जो जैसे वॉर मेमोरियल या ऐसा कुछ होता था उसको भी बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता था. इकोनॉमी की बात करें, देन यस, एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वी नो दैट, एंड वेयर राइस वॉज द मोस्ट कॉमन क्रॉप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पार्ट. देन इफ यू टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट, तो वीविंग था, मेटल वर्क था, कारपेंट्री थी, शिप बिल्डिंग थी, ऑर्नामेंट्स था, बीड्स थी, ये सारी चीज़ें जो है वो
वो सारी चीज़ें ये चल रही थी, प्रैक्टिस हो रही थी. ओके, दिस वर इन ग्रेट डिमांड. क्यों? क्योंकि ट्रेड अब यहाँ से ही तो सारा पेनिनसुलर इंडिया था, तो सारा ट्रेड कहाँ जा रहा था? सारा ट्रेड यहीं से जो है हो रहा था. तो ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ें जो थी, ये हैंडीक्राफ्ट जो थी, इन्होंने फ्लरिश करना था. देन देयर वाज हाई एक्सपर्टीज वाज अटेंड इन स्पिनिंग वीविंग ऑफ क्लॉथ. अब यहाँ का आपने देखा नीचे का, साउथ का जो है सिल्क बहुत फेमस है, कॉटन, साउथ कॉटन बहुत फेमस है. एंड जो उरैयूर से, उरैयूर विच वॉज द कैपिटल ऑफ विच वन, यहाँ से देखो, यहाँ से याद रखना, ये बना लेना, द चोलास. उरैयूर किसकी कैपिटल थी? चोलास की कैपिटल थी, चोलास की कैपिटल थी. एंड वहाँ से जो है उनका पोर्ट सिटी ऑफ पुहार, ये एक बार आ चुका है और हो सकता है आगे भी आ जाए, बिकॉज नाउ दे आर आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चंस. सो इट वाज अ प्लेस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड यू नो, और यहीं से जो है प्रीशियस गुड्स, तो फॉरेन ट्रेड पे वो टैक्स लेते थे, वो यहाँ पे हो रहा था. अनदर सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी और पोर्ट्स जो थे, तोंडी, मुसिरी, कोरेक, इससे सवाल आ चुका है, अरिकीमेंडू एंड मरक्कनम. ये अगर आई थिंक दिस इज समथिंग फ्रॉम वेयर डायरेक्ट क्वेश्चन वॉज आस्ट 2018 or 19. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी हमें मिले जो रोमन एम्पायर्स, रोमन एम्परर्स ने जो है इशू किए थे, जो ये बताता है कि तमिलनाडु में और रोमन एम्पायर में देर वॉज अ डायरेक्ट ट्रेड. मेजर एक्सपोर्ट्स क्या थे? कॉटन फैब्रिक्स था, स्पाइसेस थे एज यूजुअल, पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मरिक, ऑल विद दिस, एंड आइवरी प्रोडक्ट्स क्योंकि हाथी है, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स. इंपोर्ट क्या कर रहे थे? और ये हो सकता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में, प्रिलिम्स में पूछ लें आपसे. ये हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में क्या करें, प्रिलिम्स में पूछ लें. सो दिस वॉज अबाउट द पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज एंड द संगम एज. हमने दिस वॉज अ लेंदी लेक्चर. हमने इसको काफ़ी कोशिश की इंटीग्रेट करने की. दिस इज़ जस्ट अगेन इंट्रोडक्टरी पार्ट. हम क्लास में इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. दोज हु आर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. आई होप यू लाइक डेट. अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा. एंड डू विजिट अवर वेबसाइट, ऑल द एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय.